सो हे अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही ना। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज हमने जैसे ही रैंक मैच स्टार्ट किया था तो रैंक मैच के अंदर हमारे दूसरी साइड पर आए थे मैडी नंबर वन और ऑक्सीजन 2.0, जो कि ऑक्सीजन 2.0 रीजन टॉप 2 का बंदा है और मैडी नंबर 1 जो है रीजन 6 का बंदा है, जो कि पिछली दफ़ा जिसने रीजन टॉप 1 किया हुआ था वो बंदा हमारे इस गेम के अंदर आए हैं और उनके साथ हमारे दो दफ़ा फाइट भी हुई थी। तो गाइस दोनों दफ़ा बहुत ही मज़े की फाइट रही है। तो गाइस बहुत ही मजा आया था इसके अंदर, गेम के अंदर, क्योंकि दो दफा हमने उनके साथ फाइट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका किल भी आया ऑक्सीजन 2.0 का बहुत ही ओपी तरीके से। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत लूट करे, तभी हमारा 0 किल है और 31 अलाइव है, और यहाँ पर 31 बंदे रह चुके हैं। और यहाँ पर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम लूट करके जोन के साथ जा रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर उनके साथ फाइट लेना था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन 2.0 ने एक दफ़ा फिर से किल निकाल लिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके किल आए हैं, मैंने रिकॉर्डिंग अभी से ऑन की है और काफ़ी अच्छा गेम प्ले वो दिखा रहे थे। और यहाँ पर हमने कहा चलो अब चलते हैं जोन कवर करते हैं और कुछ किल वगैरह निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने जोन वगैरह को कवर करने के लिए आगे निकल रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर हमारा फाइट होता है मैडी नंबर 1 की स्क्वाड के साथ, जो कि मैडी खुद हमारे साथ फाइट करता है। मैडी की स्क्वाड नहीं होती, मैडी का खुद अपना फाइट करता है हमारे साथ। तो गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप अब खुद देखेंगे क्या हुआ था हमारे साथ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी M4A1 को लेवल 3 का मतलब कि चिप लगा लेता हूँ, तो लेवल 3 की हो जाएगी, तो उसके बाद बाकी इसका फायर का बहुत ही अच्छा डैमेज हो जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छी चलेगी M4A1। तो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर से उठा था ये पिस्तौल, ये काफ़ी अच्छा काफ़ी गंदा डैमेज देता है बंदे को। और यहाँ पर पीछे मशीन पड़ी है, मैंने कहा पहले घर में देख लेता हूँ कोई टोकन वगैरह पड़ा हुआ तो फिर काम बन जाएगा। तो मेरे पास 700 टोकन थे, तो मैंने कहा आराम से चिप 400 टोकन के अंदर चिप आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपग्रेड और हमने स्कोप वगैरह सारा कुछ दोबारा से इस M4A1 में लगा लिया। और यहाँ पर से हम सीधा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे क्लॉक का पीक की तरफ, पीक की तरफ जाकर देखते हैं अगर हमें कोई स्क्वाड मिलती है तो हम उनके अंदर से किल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मस्ती में जा रहे थे ऊपर और 25 लाइव है यहाँ पर, तो हमने कहा चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, कुछ किल वगैरह निकाले थे, क्योंकि हमारा 0-0 किल था पूरी स्क्वाड का, अभी तक हमें कोई स्क्वाड नहीं मिली थी। तो मुझे यहाँ पर एयर ड्रॉप नजर आया, तो मैं गाइस एयर ड्रॉप के ऊपर भाग के चला गया। मैंने कहा एयर ड्रॉप को लूट करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा तो गाइस यहाँ पर एक बंदा था, तो गाइस मैंने कहा इस बंदे का किल तो उठाते हैं भाई साहब। यहाँ पर इसको मैंने डैमेज दिया, उकोंग बना बेचारा, उसको फिर भी एक फायर लगा और यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी स्क्वाड एक रिवाइव हुई है भाई साहब, ये मैडी की स्क्वाड पूरी रिवाइव हुई है। और यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर हमारा एक स्क्वाड का बंदा, दूसरा और यहाँ पर तीसरा बंदा भी नॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखते तीन बंदे नॉक हो गए और अभी देखना किस बंदे ने ये पूरा खत्म किया। यहाँ पर देखते मैडी नंबर 1 ने हमारे दो बंदे को खत्म कर दिया और तीसरा बंदा अभी मैडी नंबर 1 ने ही नॉक किया था। यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और जो पूरी स्क्वाड रिवाइव हुई थी उनके पास भी गन वगैरह और आ चुकी थी, और यहाँ पर उनके पास एक बाइकर भी था जो कोई बाइक लेकर हमारे ऊपर की तरफ आ रहा था। उन्होंने शुक्र है मुझे नहीं देखा, यहाँ पर मैं भागा। मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको रिवाइव करता हूँ। और यहाँ पर तीनों बंदे मेरे मैडी नंबर 1 ने मारे और ऑक्सीजन 2.0 भी उसके साथ ही था। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा किल ऑक्सीजन 2.0 ने किया है। तो मैंने कहा यहाँ पर से घूम कर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ फैक्ट्री की तरफ, फैक्ट्री में एक मशीन था तो वहाँ पर से मैं इनको रिवाइव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं नीचे जा रहा था भाई साहब, यहाँ पर नीचे भी एक बंदा था जो उसको मैंने बाद में देखा। मैं तो पहले अपनी मस्ती से लूट कर मतलब जा रहा था, मैंने कहा टोकन यहाँ से मिल जाते हैं, डब्बा मैंने देखा इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे टीममेट कह रहे थे कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक बंदा है, दो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा था। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने भाई साहब फिर से किल किया और मैडी नंबर 1 ने एक हेडशॉट दिया और इसको मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। और यहाँ पर मेरे 2 किल हो गए थे, मैंने कहा चलो देखते हैं इसके डब्बे के पास टोकन थे या नहीं थे, क्योंकि मैंने तीनों बंदे रिवाइव करे थे और मेरे पास सिर्फ 800 टोकन थे। तो गाइस मैं भागता भागता गया, यहाँ पर मैंने कहा चलो फैक्ट्री में चलकर 2 को तो रिवाइव करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही गया तो भाई साहब आपने देखा ऊपर की तरफ एक बंदा था, भाई साहब मैंने कहा कवर लेता हूँ, कवर लेकर इसको मारूंगा क्योंकि वो भी रिवाइव करेगा अपने बंदों को। और यहाँ पर अवैस भाई ने भी काफ़ी अच्छे किल यहाँ पर निकले, क्योंकि अवैस भी मेडी की स्क्वाड का बना था। और यहाँ पर मैंने चार्ज बूस्टर चार्ज की और यहाँ पर मारने के लिए बोला, तो मेरे टीममेट ने बोला कि भाई साहब नहीं मारो नहीं मारो, रश करो, जैसे ही वो रिवाइव करने के जाएगा फिर मारना। तो गाइस जैसे ही वो भाई साहब रिवाइंडिंग मशीन के अंदर घुसा तो गाइस मैंने रश कर दिया और यहाँ पर देख सकते उसने काफ़ी गंदा डैमेज दे दिया और उसको भी एक चार्ज बूस्टर लग गई। और यहाँ पर भाई साहब देख सकते हैं अभी मेरा एक एम मिस होता तो उसने मुझे मार देना था। यहाँ पर भाई साहब काफ़ी अच्छी हमारी फाइट हुई और यहाँ पर ऊपर की तरफ से आ रहा मेरे बोको ने मुझे बता दिया। और यहाँ पर मेरे टीममेट बोलते M4A1 से मारो, यहाँ पर मैंने M4A1 मारकर इसको खत्म कर दिया।
तो यहाँ पर मैंने पहले फटाफट मैंने कहा दो को रिवाइव कर, तो क्योंकि ऊपर से और भी बंदे आ रहे थे मैंने उनको देख लिया था। और यहाँ पर मैंने सिर्फ दो बंदे रिवाइव किए और यहाँ पर मैं ग्लू लेने की ट्राई कर रहा था और यहाँ पर मुझे ग्लू नहीं मिली। और यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले इसके पास से टोकन ले लेता हूँ, जो इतने टोकन इसके पास पड़े होंगे। यहाँ पर से फिर मुझे 400 टोकन मिल गए थे, तो मैंने कहा अब पूरी स्क्वाड को रिवाइव हो सकती है, तो मैंने इनको रिवाइव किया। और यहाँ पर से मैंने ग्लू उठा ली और ग्लू उठाई जैसे ही यहाँ पर देख सकता है सामने की तरफ बंदा आ गया, यहाँ पर मैंने ग्लू लगाई और यहाँ पर काफ़ी ओपी तरीके से इसको मैंने हेडशॉट मारा और इसको पूरा कन्फर्म कर दिया। और ये वही बंदा लीडर था जिसने भाई साहब ये बनी था, जिसने भाई काफ़ी अच्छे किल निकाले। और यहाँ पर मुझे चिप वगैरह ग्लू वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल गई और यहाँ पर मेरे टीममेट भी यहाँ पर ही आ गए थे। तो यहाँ पर मेरे 4 किल हो चुके हैं और यहाँ पर हम सब ने लूट कर लिया। लूट करते ही हमने कहा कि हम फैक्ट्री की तरफ से होकर चलते हैं। तो जैसे ही हम भाई साहब फैक्ट्री की तरफ से होकर चलने लगे तो भाई साहब यहाँ पर देखना हमारे साथ क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाती है हमारे सामने मैडी नंबर 1 की पूरी स्क्वाड आ जाती है, जिनके काफ़ी बंदे मैं उड़ा देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते काफ़ी बंदे, मतलब के 2-3 बंदे तो उड़ा देता हूँ आराम से उनके। और यहाँ पर देखना क्या होता है हमारे साथ। और यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला, क्योंकि मैडी नंबर 1 की स्क्वाड थी पूरी यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर मेरे दोस्त को मेडिकेट की ज़रूरत थी तो उसको मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, मैं मेडिकेट देता हूँ। तो वाई गाइस भाग कर आ रहा, तो मैंने फटाफट इसको पहले मेडिकेट दे दी। और जैसे ही मेडिकेट दिया और यहाँ पर गया तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते किलर भाई को नॉक कर दिया, ये हमारे पीसी प्लेयर थे। और यहाँ पर अवैस ने इसको नॉक किया और यहाँ पर काफ़ी गंदा इसको मैंने डैमेज दिया, यहाँ पर इसने भी काफ़ी गंदा मुझे डैमेज दिया। और यहाँ पर हमारा दूसरा बंदा भी नॉक हो चुका है और इसको कन्फर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर ये अवैस ही था, मिस्टर आसू ने मार दिया इसको, जो हमारा टीममेट का बंदा था उसने मार दिया। यहाँ पर मेडी नंबर 1 ने फिर से हमारे एक स्क्वाड के बंदे को उड़ा दिया। और यहाँ पर देखा कि भाई साहब यहाँ पर मेडी का एक बंदा यहाँ पर भाई साहब लूट कर रहा था। अभी यहाँ मुझे बाद में पता चला था कि ये मेडी का बंदा जैसे ही किलिस का आया, यहाँ पर देख सकते हैं GL हानी इसका नाम है, उसने यहाँ पर मुझे यार काफ़ी गंदा यहाँ पर ऑक्सीजन 2.0 ने हेडशॉट दिया MP40 का और यहाँ पर कन्फर्म कर दिया। यहाँ पर हासू भाई काफ़ी गंदा डैमेज था उनके पास, उनके पास MP40 में एमओ नहीं था और यहाँ पर वो कवर लेकर खेल रहे थे। और यहाँ पर सिर्फ 5 बंदे अलाइव हैं और यहाँ पर पूरी स्क्वाड मेडी की भी अलाइव है अभी तक। और यहाँ पर और भी बंदे हैं, अभी देखते हैं मेडी की पूरी स्क्वाड अलाइव नहीं है क्योंकि उसके 2 बंदे तो हमने ख़त्म कर दिए और यहाँ पर 2 बंदे उनके हैं। और यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑक्सीजन 2.0 है जो कि हमारे आसू भाई के ऊपर रश कर रहा है। यहाँ पर आसू भाई ने काफ़ी गंदा डैमेज दिया, यहाँ पर ये भाग गया। और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की तरफ से एक और बंदा भी आ गया और यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को बोला कि यहाँ पर पीछे की तरफ से एक और बंदा भी आ चुका है। और भाई साहब यहाँ पर आगे वाला बंदा भी वो देख रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर पीछे पर भी एक बंदा था। तो गाइस ने इसको डैमेज देने की कोशिश की और इसके पास चार्ज बूस्टर था, यहाँ पर जैसे ने चार्ज किया। और यहाँ पर भाई साहब आसू भाई ने काफ़ी अच्छा हेडशॉट मारा और यहाँ पर हेडशॉट मारते ही यहाँ पर मेरे लूट बॉक्स के ऊपर गया और यहाँ पर लूट करने के लिए। तो यहाँ पर सामने की तरफ से बहुत ही गंदा इनको डैमेज पड़ा और यहाँ पर किल कर दिया ऑक्सीजन 2.0 की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरी मेडी नंबर 1 की पूरी स्क्वाड, यहाँ पर ऑक्सीजन 2.0 इंजन टॉप 2 का बंदा है। और यहाँ पर देख सकते हैं हानी भाई को जिसको मैंने ख़त्म किया था और ये मेडी नंबर 1 और ये अवैस भाई अभी रिवाइव होकर आ रहे हैं और हानी भाई अभी उतर रहे थे। ये 2 बंदे हमने ख़त्म किए थे और यहाँ पर ये 2 मेन बंदे थे जो बच गए थे। तो गाइस आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।